चलिए शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ की खबर से। चंडीगढ़ के यूनियन टेरिटरी कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने यूनिटेक के चेयरमैन रमेश चंद्रा, एमडी संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को आदेश का पालन नहीं करने के आरोप में 3 साल जेल की सजा सुनाई है और इसके अलावा तीनों को 21 जनवरी 2015 को दिए आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ 10,000 रुपए जुर्माना भरने को भी कहा है। कमीशन ने यूनिटेक को जगदीश सिंह और अन्य को 12% ब्याज के साथ 41,61,000 रुपए रिफंड करने का आदेश दिया था। इसके अलावा कमीशन ने 1,50,000 रुपए मुआवजा और 20,000 रुपए लिटिगेशन कॉस्ट देने का भी आदेश दिया था। जब 6 महीने तक शिकायतकर्ताओं को पैसे नहीं लौटाए गए तो इन्होंने कमीशन में आदेश का उल्लंघन करने की याचिका दायर की, जिस पर यूनिटेक ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो अगस्त 2015 से हर महीने 10,00,000 रुपए शिकायतकर्ता को देंगे। लेकिन उनके चेक जब बाउंस हो गए तो शिकायतकर्ता ने तीसरी बार फिर कोर्ट की शरण ली और जिसके बाद कोर्ट ने तीनों डायरेक्टर्स को जेल भेजने का आदेश दिया। कमीशन ने तीनों डायरेक्टर्स को 27 जनवरी को कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा है। उधर चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार पीएसीएल के प्रमोटर निर्मल सिंह भंगू के खिलाफ सीबीआई को कई सबूत मिले हैं और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को निर्मल सिंह भंगू की अथाह प्रॉपर्टी का पता चला है। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित गोपाल दास बिल्डिंग में भंगू के 44 दफ्तर का पता चला है और दिल्ली के अंतरिक्ष भवन में 6 और इंद्रप्रकाश बिल्डिंग में 11 दफ्तर का पता चला है। सीबीआई को भंगू की संपत्ति से जुड़े तमाम पेपर भी मिले हैं। आपको बता दें कि 49,000 करोड़ रुपए के चिटफंड फ्रॉड मामले में सीबीआई ने भंगू को गिरफ्तार किया। और चलिए अब रुक करेंगे मुंबई का। मुंबई के अंबोली इलाके में बीती रात आग लगने की घटना हुई जिसमें घर में रखे नोटों की बोरियां जल गई। बताया जा रहा है कि घर में एक बुजुर्ग दंपति रहा करता था जो भीख मांगने का काम करता। हादसे में कितने नोट जले हैं ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन आग बुझाने के बाद घर में बड़ी तादाद में जले हुए नोट मिले। ये रिपोर्ट देखिए। ये मुंबई के अंबोली इलाके की वही झुग्गी है जहां बीती रात आग लगने से नोटों की बोरियां जल गई थी और अब घर में हर तरफ जले हुए नोट बिखरे पड़े हैं। दरअसल इस घर में एक बुजुर्ग दंपति रहता था जो भीख मांगने का काम करता था। बीती रात जब घर की बिजली चली गई तो फातिमा ने मोमबत्ती जलाई और फिर सो गई। बताया जा रहा है कि उसी मोमबत्ती से घर में आग लग गई, जिसे दोनों ने बुझाने की कोशिश भी की और जब आग भड़क गई तो पड़ोसी भी बुझाने पहुंचे और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। आग बुझाने के बाद जब लोगों ने घर का नजारा देखा तो हर कोई हैरान रह गया। आग पे हम लोगों ने काबू पा लिया, ज्यादा तो हो सके हम लोगों ने बंद कर दी। बंद करने के कुछ देर के बाद में जैसे ही धुआं आ रहा था वहाँ पे जैसे पानी मारने गए तो कुछ नोटों के बंडल दिखने चालू हो गए जो जले हुए थे। जब वहाँ से हटाना चालू किया तो बहुत सारे पैसे वहाँ से निकले। बताया जा रहा है कि रहमान और फातिमा के घर में नोटों से भरी 3 बोरियां रखी हुई थी जिनमें 5, 10, 20 और 50 के नोट रखे हुए थे, जिसमें से एक बोरी नोट पूरी तरह जल गए जबकि 2 बोरियां किसी तरह बचा ली गई। इसके अलावा रहमान और फातिमा ने घर में सिक्के भी जमा किए हुए थे। हालांकि जले हुए नोटों की गिनती नहीं की गई थी, इसीलिए ये पता नहीं चल सका कि कितने नोट जले, लेकिन घर में हर तरफ जले हुए नोट बिखरे पड़े थे। तो पैसे के लिए लोगों ने घर को आग लगाया? पैसे के लिए, पैसे के वास्ते पे उन लोगों ने, बाजू वाले ने और सामने दोनों बहनी भेजी। रहमान और फातिमा के 3 बच्चे भी हैं, लेकिन ये दोनों इन तीनों बच्चों से अलग रहते थे। लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही है कि इन दोनों ने इतनी बड़ी रकम इस तरह से क्यों रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। चलिए अब आपको बताते हैं कि देश में आखिरकार भिखारियों की कितनी तादाद है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में भिखारियों की तादाद करीब
चार लाख है और जिसमें करीब 78,000 भिखारी ऐसे हैं जो 12वीं पास है, यानी 21% आबादी पढ़ी लिखी है। वहीं देश में करीब 3,000 ऐसे भिखारी हैं जो हाई एजुकेटेड हैं, जिन्हें प्रोफेशनल कोर्सेस और डिप्लोमा भी हासिल है। रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी के कारण वो भीख मांगने को मजबूर है। उनका मानना है कि भीख मांगना उनकी पसंद नहीं बल्कि मजबूरी है। चलिए अब अगली खबर पंजाब से है। पंजाब में आज माघी मेला सियासत का दंगल बन गया। मुक्तसर में एक के बाद एक चार बड़ी रैलियां हुई। पंजाब की बादल सरकार को चुनौती देने के लिए केजरीवाल और अमरिंदर सिंह ने ताल ठोकी, जबकि विरोधियों को जवाब देने के लिए खुद उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल मैदान में थे। मुक्तसर का माघी मेला धार्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण है, लिहाजा यहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस बार सियासी दलों ने इस पर्व को अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए अखाड़ा बना लिया, बड़ी राजनीतिक रैलियां की, जिसमें अगले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रहे सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता मौजूद थे। माघी मेले में करीब 6,000 से ज्यादा श्रद्धालु जुटते हैं। सियासी दलों के लिए अपनी बात रखने का ये सुनहरा मौका था, लिहाजा एक के बाद एक चार बड़ी रैलियां मुक्तसर में हुई। अकाली वर्करों, जंग शुरू हो गई है। जो जंग शुरू हो जाए गर्मी चढ़ जाती है, मैनू तो पूरी गर्मी चढ़ी पई है, तो इस करके हुण तो नेरी लिया दो यार। आ एक साल अज टोपियां टूपियां च लई फिरदे ना, सारियां उड़ा दियो। अकाली केसरी झंडा दिखे सारे घरां दे उत्ते। कहने साल हो गए बादल हुए थे, लेकिन कले ये पंजाब दे बारे कुछ सोचदा नहीं, सिर्फ सोचदा है बर्बाद बादल बर्बाद। और एक होर आ गया, एक छोरा जा टोपी पहनी, एक नाम है केजरीवाल। केजरीवाल मैनू तो समझ नहीं आती है, नहीं दिखाउंदा है कि मैं बड़ा ईमानदार बंदा है। सारे पंजाब दे विच घूम लो, ये पोस्टर लगे हुए हैं, चिट्टी टोपी, चौड़ा जहा लाक है और सारे दाद कटे हुए हैं। पंजाब के अंदर घर घर के अंदर नशा है, ये नशा कौन करवा रहा है? नशा कौन करवा रहा है? मजीठिया। सारे पंजाब कह रहा है कि नशा मजीठिया करवा रहा है, और फिर भी बादल सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं और कांग्रेस वहां बीते दो बार से सत्ता से बाहर है। आमतौर पर कांग्रेस और अकाली बीजेपी गठबंधन में सीधी टक्कर यहां होती रही है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को भी पंजाब में अपनी पार्टी के विस्तार की संभावना दिख रही है, लिहाजा राजनीतिक दलों ने दमखम दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने में अभी और वक्त लग सकता है। पीडीपी के नेता और मुफ्ती सरकार में शिक्षा मंत्री रहे नईम अख्तर का कहना है कि हमारे लिए अलायंस का एजेंडा अहम है और इसे दरकिनार कर सरकार नहीं चलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस एजेंडे को जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। नईम अख्तर के मुताबिक पीडीपी एजेंडे की समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती के विजन को गठबंधन सरकार के दौरान आगे बढ़ाया गया कि नहीं, इसकी भी समीक्षा की जा रही है। उधर नईम अख्तर ने माना कि बीजेपी और पीडीपी के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में युवक का शव मिलने के बाद लोगों ने हंगामा किया और एयरपोर्ट रोड को जाम कर दिया, जिससे एयरपोर्ट जा रहे लोगों को दिक्कतें पेश आई। वहीं पुलिस पर पत्थर फेंके गए। उधर पुलिस को भी हंगामे और पत्थरबाजी से निपटने के लिए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करनी पड़ी। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल पीरबाग इलाके का वशीर मलिक बीते दो दिनों से लापता था और गुरुवार को उसका शव रेलवे ब्रिज के पास पड़ा मिला, जिसको लेकर लोग नाराज थे। उधर पुलिस ने मामले में जांच का भरोसा दिया है।
हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने अर्धकुंभ का आज पहला स्नान किया और वहीं देश भर के गंगा घाटों पर मकर संक्रांति का भी स्नान किया गया, जबकि उत्तराखंड के बागेश्वर में भी उत्तरायणी के मौके पर श्रद्धालुओं ने सरयू गोमती के संगम पर डुबकी लगाई। हरिद्वार अर्धकुंभ का पहला और महत्वपूर्ण स्नान गुरुवार सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गया, जिसके लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचे थे। हालांकि मकर संक्रांति का दूसरा स्नान शुक्रवार को होगा। इस दिन भगवान सूर्य मकर में प्रवेश करेंगे। असल में जिस वक्त संक्रमण काल होगा वो वक्त रात में है, जिसके बाद रात के 1:26 पर भगवान सूर्य कर्क से मकर में प्रवेश कर जाएंगे और इसके बाद का स्नान सूर्य के उत्तरायण होने के बाद का होगा। मकर संक्रांति के मौके पर किए जाने वाले इन दोनों स्नानों को काफी पुण्यदायी माना जाता है। अर्धकुंभ में स्नान करने आए हैं, अर्धकुंभ का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए हम आए हैं यहाँ से गोरखपुर से। गंगा स्नान भी किया, पानी बहुत ठंडा था और दान पुण्य भी किया और बड़ा अच्छा दृश्य है यहाँ का, गंगा की कृपा ही ऐसी है। यहाँ आ करके एक बड़ा अलौकिक आनंद आ रहा है। दोनों पद पत्नी हम साथ लेकर के आए हैं और ऐसा लगता है कि चौथी अवस्था में यहीं बैठ जाए। दरअसल उत्तराखंड में कत्यूरी राजाओं के वक्त से चली आ रही परंपरा के मुताबिक भी उत्तराखंड के गंगा घाटों पर दो स्नान की परंपरा रही है, जिसमें पहले दिन जब सूर्य दक्षिणायन रहते हैं तब किया जाता है और दूसरा स्नान तब होता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, यानी उत्तरायण होते हैं, और इसके साथ ही शुभ कार्य की शुरुआत भी हो जाती है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसमें उत्तरायणी का यह पर्व माना जाता है और इन दोनों स्नानों के बाद से ही जो उत्तरायणी का जो स्नान होते हैं, इस स्नान के बाद से उत्तराखंड में शुभ कार्यों की शुरुआत यहाँ पे मानी जाती है। मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा घाटों के साथ साथ सरयू गोमती के संगम बागेश्वर में भी श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और शुक्रवार के स्नान के बाद बागेश्वर के उत्तरायणी मेले की भी शुरुआत हो गई। हरिद्वार से नरेश गुप्ता और पिथौरागढ़ से कोमल मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। वहीं हरिद्वार अर्धकुंभ के पहले स्नान के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुरक्षाकर्मी रात के 2 बजे से ही व्यवस्थाओं में जुट गए। सुरक्षा के मद्देनजर कुंभ क्षेत्र में करीब 5,000 सुरक्षाकर्मी नियुक्त किए गए हैं। हरिद्वार के गंगा घाटों पर लगाई गई पहली डुबकी के साथ ही अर्धकुंभ की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ मेला प्रशासन के लिए भी अग्नि परीक्षा का वक्त है। अधिकारियों के मुताबिक पहले स्नान के लिए आधी रात से ही पुलिस कर्मियों ने व्यवस्थाएं बनानी शुरू कर दी थी और जब स्नान शुरू हुआ तो व्यवस्थित तरीके से श्रद्धालुओं को गंगा घाटों पर भेजा गया। हमारी कोशिश होगी कि श्रद्धालुओं को कम चलना पड़े, भीड़ के हिसाब से थोड़ा हो सकता है चलना पड़े, लेकिन अभी हम लोग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा किसी को चला नहीं रहे ताकि वो आराम से रेलवे स्टेशन से या पार्किंग से यहाँ तक पहुँचे। अर्धकुंभ के पहले स्नान के मौके पर कई रंग देखने को मिले। एक ओर जहाँ बड़े बुजुर्गों ने गंगा में डुबकी लगाई तो वहीं महिलाएं और बच्चे भी स्नान करने वालों में शामिल थे। इस मौके पर बड़ी तादाद में साधु संत भी अर्धकुंभ के पहले स्नान के मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। जनता जनार्दन में भारतवर्ष के अंदर विशेष श्रद्धा है और इसके कारण से लोग पूरे साल तैयारी करते हैं और इस मकर संक्रांति पर्व पे गंगा स्नान करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। गंगा स्नान का जो है अमृत योग होता है, जिससे अमृत योग के स्नान करने से बहुत अमृत का फल की प्राप्ति होती है। अर्धकुंभ में इस बार ना ही कोई शाही स्नान रखा गया है और ना ही वीआईपीओ के लिए अलग व्यवस्था की गई है, यानी अगर कोई वीआईपी स्नान के लिए पहुंचता है तो उसे खुद ही इंतजाम करने होंगे। ऋषिकेश से आशीष डोभाल और हरिद्वार से स्वाति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।